आज तक एकमा बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ तक एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी बड़ा बनने वाला था, वो भी नहीं बना रहे। हम तो कह रहे हैं कि कुत्ता काट देगा तो 10 दिन दौड़िएगा तो आपको सुई मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ डर भी लोगों में है कि यदि हम खिलाफ में बोले कल कोई आके हमको छुरे मार देगा। दो साल पहले से रोड खराब है, जब चुनाव आया तो रोड बन रहा है कि लोग देखेंगे कि चलो भाई नीतीश की सरकार है तो रोड बन रहा है। अभी हम लोग पिछड़े किस लिए हैं, इसीलिए हैं कि सामने बोलने से डरते हैं। आपका लुक स्मार्ट न्यूज चैनल में मैं हम अभी खड़े हैं एकमा विधानसभा के पुरानी बाजार महावीर स्थान पुरानी बाजार क्षेत्र में। यहाँ के मतलब यहाँ पे जो सड़कें हैं चारों तरफ हम जहाँ से चल के आ रहे हैं देख रहे हैं सड़कें चारों तरफ टूटी हुई है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं लग रही है जहाँ तक मैंने जाना है। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ की पिछली सरकार ने क्या किया है या यहाँ अभी विधानसभा में अभी प्रेजेंट टाइम में जो MLA हैं उन्होंने 5 सालों में क्या विकास किया, क्योंकि हमें तो चारों तरफ अभी चारों तरफ हम देख रहे हैं सड़कें तोड़ के छोड़ दी गई हैं, उन पर काम हो रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि 20-25 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये काम पहले क्यों खत्म नहीं हुआ, अभी चुनाव के टाइम में ये काम क्यों हो रहा है? तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम हम जरूर ये बात कहना चाहते हैं, हमारे गांव में एक स्कूल है हाई स्कूल, सुपरित मध्य विद्यालय था आज हाई स्कूल हो गया, उसमें 4 शिक्षक पहले से है आज तक वही है, जबकि क्लास कितना चलता है 10 चलता है। कि आपकी सरकार की व्यवस्था है, यहाँ जब आप चलिएगा हॉस्पिटल, एक पुराना हॉस्पिटल था नया दूसरा जगह बन गया, वहाँ जाइए तो लोग 10 आदमी रोज गिर रहा है। सड़कों क्या ही हाल है, सड़क यहाँ गढ़ा बना हुआ है, चारों तरफ गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा अगर हम चूक जाते हैं तो गिर सकते हैं, गिर सकते हैं, सब लोग गिर जाते हैं, हम भी देख रहे हैं, सामान लेके जाते हैं तो गिर जाते हैं। हमारी जो ये तो रोड की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, शिक्षा पर देखिए या हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, आप जाइए तो एक सुई इंजेक्शन नहीं मिलेगा आपको, कुत्ता काट लेता है तो 10 दिन दौड़िए तो सुई मिलता है, व्यवस्था है सरकार की। एक क्वेश्चन मेरा है, अभी हम गए तो वहाँ पे 2-4 लोगों ने कहा कि नहीं हमको पूरी तरह से दवाएं मिल रही हैं, सारी दवाएं मिल रही हैं, अगर कोई नहीं होती है तो नहीं मिलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात हम बता रहे हैं, अब कोरोना पर आइए जो चल रहा है, एक दुकानदार है आज बंद किया, इसको कोरोना नहीं था, गया कोरोना का टेस्ट कराने के लिए, कोरोना निकल गया उसको, वही जाकर 2800 रुपया छपरा दे के पीछे टेस्ट कराया, कोरोना उसको नहीं था। की व्यवस्था है मतलब यहाँ के हॉस्पिटलों में यहाँ के स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है, उसको कोरोना नहीं हुआ था, आज गया टेस्ट कराने तो चीन करके कि आपको कोरोना हुआ है, वो बेचारे 4 दिन तक किसी तरह अपने को समझाते बुझाते हम लोग समझाए जाकर छपरा टेस्ट कराया तो उनका निगेटिव आया, यहाँ निगेटिव दे दिए। हमारे गाँव में 3 आदमी थे जो सर्दी खाने कुछ नहीं हुआ था, जो टेस्ट कराने गए तो कोरोना नहीं हुआ, 7 दिन के बाद गए तो निगेटिव है, कोई कोरोना नहीं हुआ। स्वास्थ्य हमको कोरोना हो गया, इस तरह की तो व्यवस्था है सरकार की, रोज बता रहा हूँ। हमारे गांव में सब्जी बेचने वाला 1.5 साल पहले एक कोरी जाति का आदमी एक्सीडेंट कर दिया, लोग उसको पूछने आपके सांसद गए ना MLA गया, और उसको जो आपका राशि मिलता है 4 लाख रुपया 1 रुपया नहीं मिला गरीब, इसलिए गरीब परिवार से हुआता है, छोटा छोटा बच्चे हैं उसका, एक कोई पूछने तक नहीं गया कि उसको 4 लाख आपदा में दिया जाए, नहीं मिला। सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि मतलब जो गरीबों के लिए राशन आता है चावल आता है वो गरीबों को ना मिलके ब्लैक में सेल कर दिया जाता है। देखिए वो तो हम नहीं बता पाएंगे, ब्लैक में सेल होता नहीं, हमारा खुद राशन कार्ड नहीं है, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे गरीब जिसका राशन कार्ड नहीं। तो सर इसके लिए आप लोग कभी गए नहीं है कभी? अच्छा किसके यहाँ जाइएगा सर, किसके यहाँ जाइएगा? आपके मुखिया है आपको उनसे बोलना चाहिए ना। मुखिया जाएंगे तो ब्लॉक में जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्या क्या आपका बनेगा छपरा से, डिस्ट्रिक्ट में जाइए और डिस्ट्रिक्ट वाला कहेगा कि नहीं इतना नरसात पड़ा हुआ है कैसे हम क्या करेंगे, बड़ा कलर बना के बच्चे देता है। तो किससे कहिएगा, कोई आएगा सुनने के लिए तब ना कहिएगा, मतलब आपका कहना ये है कि आप कोई आएगा तब ना कहिएगा। अच्छा नहीं नहीं आप विधायक के पास जाइए, विधायक अपने घर को नहीं मिलते, घर के पास साधन नहीं है कि 10 आदमी 20 आदमी के लेके जाके जाएंगे विधायक, कैसे जाएंगे वो आपके जो यहाँ के MP हैं
आते हैं और वहीं का खाना खा लिया, किसको पूछने जाते हैं कि कौन किस दुख में है। सर मतलब आपकी बातें हम समझ गए, आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग आपके पास तभी आते हैं जब इनको वोट लेना होता है। आज के लिए आज आपके देखिए गांव गांव में घूम रहे हैं सब वोटने के लिए, और कल को जीत जाएगा फिर पूछने नहीं जाएंगे गाँव में क्या हो रहा है, क्या पोजिशन है। सर